30 किलोमीटर पर स्थित एक छोटा सा गांव है। हाईवे के एक मोड़ पर एक विशाल द्वार आपका स्वागत करता है। देरासर के बारे में पूछताछ करते ही यहाँ के लोग हमें स्थानिक बाजार की ओर ले जाते हैं। दोनों ओर सजी छोटी छोटी दुकानों से जादुई दिखने वाली ये गलियां हमें ले चलती है आदेश्वर दादा के 105 वर्ष पुराने देरासर के पास। गच्छाधिपति आचार्य देव परम पूज्य रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने 1964 में वैशाख शुद्ध दशम को इस तीर्थ की प्रतिष्ठा की। ये हाईवे से दूर होने की वजह से यहाँ बहुत कम दर्शनार्थी आते हैं। इसका लाभ उठाकर हम देरासर के शांत वातावरण में भक्ति भाव से प्रार्थना कर परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। देरासर के पास साधु साधियों के लिए उपाश्रय और यात्रियों के लिए धर्मशाला है। अब समय है आगे बढ़ने का। हमारा आगामी यात्रा स्थल है सावत्थी तीर्थ, जो बावला गांव से 4 किलोमीटर पर है। अहमदाबाद पालीताना रूट पर हाईवे पर निर्मित यह तीर्थ स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। यह आपको रानकपुर और देलवाड़ा जैसे तीर्थों की याद दिलाएगा। तृतीय तीर्थाधिपति श्री संभावनाथ प्रभु प्रतिष्ठित इस जिनालय की प्रतिष्ठा शासन प्रभावक उपसर्ग विजेता आचार्य देव जीन चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब और सौम्य मूर्ति मधुर भाषी आचार्य देव शरद चंद्र सुरेश्वर जी महाराज और मुनिश्री अजित चंद्रा विजय जी ने की है। ये प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2046 और 2048 के दरमियान महासुद ग्यारस के दिन की गई। 10 वर्षना अविरत प्रवास पसी आ भूमि नी अंदर 52 जिनालयों नी प्रतिष्ठा अंजन सलाका नो कार्यक्रम 1990 महासुद 11 ना पावन दिवसे थयो। अहींना मंदिर नो मूल मंदिर जे छे ए मूल मंदिर ने अपने बहु सुंदर शब्द में शास्त्रीय शब्द में जो कहीशू ए शब्द छे रत्नकोटी। आ मंदिर नो नाम छे रत्नकोटी अने आ मंदिर नो जे शिखर छे प्योर संगमरमर में बनेलू छे अने ए आरसनू जे मंदिर बन्यू छे शिखर ए शिखर नो नाम छे समदड़िया शिखर। भारतवर्ष में आटला ऊंचा शिखरो बहु जूज जोवा मळे छे। खूब दबदबा भेर भारतवर्षना जैन संघोए जैन भक्तोए अने अमारा गुरु भक्तोए खूब लाभ लई आ तीर्थने समुज्वलित करेलू अने आ तीर्थनी पावन मुलाकात माटे तत्कालीन वडाप्रधान राजीव गांधी पण आवेला, तत्कालीन वडाप्रधान चंद्रशेखरजी पण आवेला, तत्कालीन मुख्यमंत्रीओ अत्यार सुधीना तमाम अहीं आवेला छे। आ कार्यक्रम चाली रह्यो छे मंदिरनी बन्ने बाजु, बन्ने बीजा मंदिरो बंसी बहारना संकुलमां एकमां गणपति भगवानी स्थापना करवामां आवशे अने एकमां क्षेत्रपाल देवतानी स्थापना करवामां आवशे। आ अने भविष्यना आयोजनमां अहींना एक विशाल संकुलमां सूर्याकार एक आबेहूब सुंदरमां सुंदर जैन म्यूजियम तैयार करवानी हमारी अभिलाषा छे। आवनार यात्रिकोनी सुविधा केम वधे ए माटे धर्मशालाओ पण छे, आवनार लोकोने कोई तकलीफ न पड़े एनी संपूर्ण काळजी अहींनुं ट्रस्टी मंडल लई रह्युं छे। अहीं उपाश्रयमां एक नानकडू लगभग 6 कबाटोनी अंदर म्यूजियम बनावामां आव्युं छे, जे म्यूजियमना दर्शन करवा माटे अत्यारे देशवासीओ पण आवे छे, परदेशथी पण लोको आवे छे, કેટલીક ટૂરો પણ આવે છે।
आ तीर्थनो महिमा एनी अंदर मूलनायक संभवनाथ भगवान छे। असंभव इति संभव, जे असंभवित कार्यो छे एने संभवित करवानी शक्ति भगवान संभवनाथमां होवाथी आ तीर्थाधिपति तरीके संभवनाथ भगवान सौए नक्की करेला छे। अने एमनी पुण्य जन्मभूमि सावत्ती नगरी होवाथी आ तीर्थनुं नाम पण सावत्ती तीर्थ राखवामां आव्युं छे। बोलो संभवनाथ भगवान की जय, बोलो पद्मावती मात की जय, बोलो आज के आनंद की जय। सावत्थी वो जगह है जहां भगवान वास करते हैं अपनी पूरी भव्यता के साथ। सत्रह एकड़ जमीन पर फैले सावत्थी तीर्थ के विशाल परिसर में भव्य जिनाले के साथ साथ उपाश्रय, धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि व्यवस्था है। इस दिरासर के साथ जुड़ी हुई कथा अद्भुत है। साल 1981 में नवंबर 18 को प्रातःकाल गुरु महाराज जीनचंद्र सुरेश्वर जी को एक सपना आया, जिसमें पद्मावती देवी ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद देकर इच्छा प्रकट की कि वे 52 जिनालयों का एक जिनालय का निर्माण करें। उसके बाद जनवरी 3, 1982 में श्री हरिभाई छगन भाई भरवाड़ को ठीक वैसा ही सपना आया, जिसमें पद्मावती देवी ने उन्हें तीर्थ निर्माण करने के लिए भूदान करने प्रेरित किया। उस समय गुरु महाराज पालीताना के जीन हरि विहार धर्मशाला में थे, इसलिए श्री हरिभाई वहां गए और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उन्होंने तीर्थ निर्माण के लिए भूमि दान की इच्छा व्यक्त की। उनके साथ महासूल मंत्री नरेंद्र सिंह झाला, जो महाराज के अनुयायी हैं, और बाकी मान्यवर भी थे। महाराज तुरंत पहचान गए कि ये पद्मावती देवी की लीला है। फिर पालीताना से वापसी के रास्ते पर अपने विहार के दौरान पूज्य गुरुदेव अपने साथ 200 भक्तों को लेकर बाड़ा आए और उन्होंने उस जमीन के दर्शन किए। इस घटना को याद करने वाले कहते हैं कि भक्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस धरती से एक सुगंध सी उठ रही है और संपूर्ण वातावरण में ईश्वर की आवाज गूंज रही है। लोग भाव विभोर होकर नाचने लगे, वो जैनम जयति शासनम का नाद करने लगे और बोले माता पद्मावती की जय। इस दौरान अचानक एक हाथी इस प्रसंग पर प्रकट हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस दृश्य को देखने श्री गणेश स्वयं हाथी के रूप में यहाँ आए थे। सबने इस पवित्र धरती के टुकड़े पर अक्षत चढ़ाकर उसका स्वागत किया और कंकु के साथ पूजा करके पुलकित बने। आछे जिन शासन नी बलिहारी, आछे धर्म नी बलिहारी, पूज्य गुरुदेव नी जय, इन घोषणाओं की गूंज से आकाश भर गया। इस तरह सावत्ती धाम तीर्थ का भूमिदान संपन्न हुआ। विक्रम संवत 2046 में धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। मूलनायक श्री संभवनाथ भगवान की 126 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति भक्तजनों को सतत आकर्षित करती है। इसके अलावा शांतिनाथ प्रभु, शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु, श्री महावीर स्वामी, श्री आदेश्वर प्रभु, श्री गौतम स्वामी, श्री सुधर्म स्वामी, जगतगुरु कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य महाराज की मूर्तियां भी आपके मन को परम शांत रस की गहरे दरिया में ले जाएगी। साथ ही साध्वी जी प्रशम प्रभाश्री जी थी पद्मावती माता,
अंबा माता और महालक्ष्मी माता की मूर्तियां भी भक्तों को मोहित करती हैं। 84 शिखरबद्ध डेरियों से सजा सावत्थी तीर्थ अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। जिनालय 1111 स्तंभों और अनगिनत मनमोहक गुंबजों के कारण एक अद्भुत स्थापत्य बन चुका है। यहां का मुख्य देरासर श्री संभवनाथ जीन प्रसाद के नाम से जाना जाता है। संवत 2045 में वैशाख सुद छठ को पूज्य जीन चंद्र विजय जी महाराज साहेब को यहां आचार्य पद प्रदान किया गया। यह एक छोटा संग्रहालय भी है जहां कीमती पत्थरों का संग्रह किया गया है। इनमें 21 मुखी रुद्राक्ष और फ्लोटिंग स्टोन्स भी हैं। चकित ना हो, ये तो यात्रा की केवल शुरुआत है।